पिया अलबेला में ड्रामा दोबारा। जी हाँ, आज नरेन पूजा को सीने से लगाकर रो रहा है, अपनी पूजा से अपने दिल की बात कह रहा है। अब तक जितने भी सितम उसने पूजा पर किए उसकी माफी मांग रहा है, उसके साथ फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की ख्वाहिश जता रहा है। जो उसने सोचा था वो सच हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अभी भी वो थमी हुई है। अभी भी वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है नरेन बाबू से, जबकि नरेन बाबू ने अपने प्यार का इजहार और अपना गिल्ट तो पूजा के सामने दिखा दिया। लेकिन भला इतनी आसानी से नरेन और पूजा का मिलन कैसे हो सकता है? नरेन ने तो नफरत से हार मान ली, लेकिन लगता है पूजा का दिल अब तक नहीं पिघला। लेकिन के रिटर्न में ये मिलेगा, ये इतना खून मिलेगा, इतना दर्द, मैं ये नहीं सोचा था। सोचा तो पूजा ने भी नहीं होगा कि मिलन के बाद फिर से जुदाई आएगी, क्योंकि राहुल और सुरभि उनकी राहों में रोड़ा बनकर जो खड़े हैं। नरेन बाबू के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत, पुराने कुछ ऐसे सबूत निकल के आए हैं जो कि मुझे विश्वास है, पूजा को विश्वास है कि सच नहीं है। लेकिन क्योंकि अब कानून तो सिर्फ सबूत देखता है ना, तो बस उसी को सेव करने के चक्कर में अभी पूजा जो है एक छोटा सा रिस्क और ले रही है। नरेन को बचाने के चक्कर में तो पूजा ने अपने और नरेन के डिवोर्स पेपर्स पर साइन तक कर दिए हैं। अब नरेन तो इस बात से अनजान है और इसी गलत फहमी में नरेन फिर से पूजा से नफरत करने लगे हैं और पूजा को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। लेकिन उसी समय मिस्टर कपूर भी आ जाते हैं। बिल्कुल, वो काफी बड़ी हड्डी है कबाब की, मिस्टर कपूर, और पूजा से प्यार में भी पड़ गए हैं, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। एक तरफ राहुल और सुरभि की ब्लैकमेलिंग, तो दूसरी ओर मिस्टर कपूर का दीवानापन पूजा के लिए डबल मुसीबत लाने वाला है। अब पूजा इन मुश्किलों से कैसे निपटेगी ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो। हुनर दिया खामोशी से सहने का सबर।